जिसमें हमारे पास सब्जी, मलाई बोटी, टिक्का और काफ़ी कुछ मशहूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे आज के दिन में और आज की मज़ा सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी सारे दोस्त जो कमेंट कर रहे थे कि पहले जो वीडियो, काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन दो तीन दोस्त ऐसे कमेंट कर रहे थे। वैसे तो कमेंट काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं क्योंकि वीडियो का जो इधर से पता डाउन हुआ है, तो इसलिए कमेंट्स भी जो है शॉर्ट हो गए हैं। तो कुछ दोस्तों कमेंट ये कर रहे थे कि आपकी वीडियो का जो पहले मज़ा आता था, मज़ा नहीं आता, वीडियो बनाना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आई रियलाइज़ कि बाकी जो है वो कुछ ऐसा है मेरी वीडियोस के अंदर जिसकी वजह से जो है वो कुछ दोस्तों का मज़ा नहीं आता। पहले मज़ा आता था, अब नहीं आता। उसकी रीज़न शायद ये है कि मैं खुद जो है वो एक मतलब अंदर से थोड़ा सा टूट गया हुआ था। तो नाउ कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, मतलब फुल डे रूटीन की जो थी डेली व्लॉग, वो बनाया बना के। तो जब मैं एडिट करने लगा और फिर उसके बाद सुना और मैंने महसूस किया कि वाकई आप लोगों ने ठीक कहा, तो मैंने वो पूरी वीडियो कर दी डेल। तो अभी जो ये मैं नई वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ सीन्स जो है वो इसमें पुरानी वीडियो के हैं, कुछ सीन्स जो है वो अब के हैं। कल रात जो है वो हमारे पास आ गया था जुहेब, और जुहेब ने जो है वो हमारे पास रात गुजारी, और सुबह भी जो है वो काफ़ी उसने मुझे तंग किया क्योंकि मेरी रूटीन बन गई हुई है कि रात को जो है मेरी एक बार आँख खुल जाए उसके बाद मुझे सुबह तक नींद नहीं आती, फिर मैंने सुबह सोना होता है। तो कल रात को जो वो तकरीबन वो आई 11:30 बजे, फिर उसके बाद मेरी खुल गई आँख, और उसके बाद फिर जो वो मेरे से सोया नहीं गया। अब सुबह ये हालत थी कि मैं जहाँ टेक लगा रहा था, क्योंकि मैं खड़ा तो हो नहीं पा रहा था, जैसे पता ना सही तरह से बैठा जाता है, तो जहाँ मतलब टेक लगा के थोड़ा सा लेट था वहाँ मैं सो जाता था, तो वो मुझे सोने नहीं दे रहे। थोड़ी काफ़ी कश्मकश के अंदर जो फिर भी मैंने घंटा था जो वो सो लिया था, और अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक जो मैं बेटर फील कर रहा हूँ। और अभी जो हमारे पास आ चुका है शेक, शेक में हमारे पास एज़ यूजुअल मैंगो शेक, अलहमदिल्ला काफ़ी मज़ा आता है इस चीज़ का। वैसे एक रूटीन इंसान की बन जाती है जब इंसान जो कुछ एक सेम सर्कल के अंदर घूम रहा होता है, लाइक मेरी चारपाई है, सुबह में नाश्ता हो गया, दोपहर में शेक हो गया, उसके बाद दोपहर को कुछ टाइम जो हम बाहर चले जाते हैं, दो जगह पे बाहर मूव कर लेते हैं, कभी जो है वो हफ्ते में एक आध दिन या इस मतलब जैसे पॉसिबल हो सके या जब जो है वो दर्द वगैरह इजाज़त दे, तो फिर कोशिश करते हैं कि थोड़ा आगे तक इनके मस्जिद तक ट्रैवल मतलब वॉक करके आ जाए। उसके अलावा एक्सरसाइज करनी होती है कभी दर्द, क्योंकि जब आप बेड पर बैठे होते हैं तो आपको कभी भी जो है वो दर्द स्टार्ट हो सकता है, और स्पेशली जब फ्रैक्चर हुआ होता है, और फ्रैक्चर भी जो मतलब मेरा हुआ है वो बड़ा क्रिटिकल सा है, तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। खैर कोई नहीं, अब से जो है वो हम थोड़ा ये लेजीपन को और जो हमारा सुस्त रहना या थोड़ा मायूस होना, मायूसी वैसे गुनाह है इस्लाम के अंदर, मायूसी की भी इजाज़त नहीं, तो मायूस होना या इस किस्म की कोई चीज़ जो है जो हमें लूज़ कर देती है, इंशाल्लाह हम उसको जो है वो खैरबत कहते हैं। और अब से जो इंशाल्लाह फुली पोटेंशली से नो टू पेन का जो है फार्मूला, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए इंशाल्लाह फुल एनर्जेटिक होकर जो है मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाया करूँगा। अगर कभी मैं लूज़ कर दूँ अपना आप, तो आप मुझे ज़रूर रिमाइंड करवा दिया कीजिएगा, क्योंकि बींग अ ह्यूमन हम भूल जाते हैं चीज़ें ना, तो थोड़ी मिस्टेक्स भी कर जाते हैं, दिस इज़ नॉट द बिग डील। तो अभी बस मैं ज़रा जल्दी से शेक पी लूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे फर्दर क्या बनता है। और फाइनली जब हम लोग आ चुके हैं बाहर, और आज जब ज़हरा भी मेरे पास ही है ना, ज़हरा मेरे पास हो आप, वो कौन काका, ये कौन काका है, ये कौन सा काका। मौसम जो है वो तकरीबन गर्म है, लेकिन ये कि हवा के झोंके जो है वो आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मौसम जब काफ़ी हद तक बेटर फील हो जाता है। ओवरऑल जो है वो अलहमदिल्ला बेहतरीन जा रहा है। तो ज़ारा भी आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो ज़ारा को। ज़ारा को जो है वो सुकून नहीं आता एक जगह पर। और फाइनली जो है वो वॉक हमारी होगी स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पर बैठे बैठे जो है वो काफ़ी ज़रा मतलब बोरिंग से होना शुरू हो गया था मैं। और अभी हम माइग्रेट हो गए हैं यहाँ पे, ये हमारा सारा सामान आ रहा है, क्या नहीं उधर को, मेरी शेयर जो है वो ओपन वाली साइड को होगी, फसलों वाली साइड को। आसिम साहब जो है वो पानी शानी ले आए हैं, हमारी चेयर भी जो है वो आप सब ले आए हैं। और आज जो आसमान माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये चेक करें, होप्सो के जो बारिश होगी आज, कुछ टाइम पहले तक था वो आसमान पर एक भी बादल नहीं था। ये जो पत्ते आपको इस टाइम बड़े वो खिले खिले से नज़र आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद देखिएगा जैसे ही जो है वो सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद ये बिल्कुल जो है वो सुकड़ जाएंगे, तकरीबन जिस तरह ये वाले सुकड़े हुए ना, इस तरह ये भी सुकड़ जाएंगे। और इनकी एक और चीज़ है कि इनकी डायरेक्शन जो है ना वो तकरीबन सूरज के साथ साथ मूव कर रही होती है। इंस्टाग्राम मेरा, आपको क्या इशू है, नहीं उसे आज वाली कर दो ना, आज वाली सही ना फोटो, आज वाली इतनी मज़े की पिक्चर है, आप नहीं पोज बना के बैठे हुए,
पोज ही था, इतने मजे का पोज है। नहीं, जैसे वो थका मानदा नहीं को बैठा होता, उसने बैठे हुए थे आप। कोई बात नहीं, आप ना बनाना, मैं बना लिया ना आपकी फोटो, मैं अपलोड करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, सही है? आपने देखनी है तो सर्च कर लेना सरेरा, SARERAH, सरेरा, हाँ इंस्टाग्राम मेरा, ठीक है? उस पर जो है ना आपकी वो पिक्चर पोस्ट हो जाएगी, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना ये यूट्यूब पे पोस्ट हो जाएगी। वीडियो बना रहे ये क्या है, वीडियो बंद करे। ओके, फिर उसके बाद टाइम लैप बना है, टाइम लैप के लिए ट्राईपैड आ रहा है। आज दिन टाइम जब जितनी गर्मी थी, अभी उतनी जो खुशगवार हवा जो चल पड़ी है। हवा में जो काफ़ी हद तक नमी है, और कुछ टाइम पहले मुझे पता लगा था कि लाहौर जो बारिश हो रही है, और यह हवा की सीमत भी जो है वो लाहौर वाली साइड से ही है, तो इसलिए हवा में जो काफ़ी मज़े की एक नमी सी और ताज़गी सी महसूस हो रही है। उसके अलावा एक आसमान पर भी जो बादल छाना शुरू हो गए हैं बारिश वाले, बाकी रफ्तार भी जो काफ़ी तेज़ हो चुका है ऊपर, और नीचे भी जो तकरीबन ठीक है। और उसके अलावा अगर आप आसमान पे देखें तो आसमान पे भी जो है वो बादल छाए हुए हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है आसमान इस टाइम, वो चेक करें। ओप्सो के मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो कुछ टाइम वॉक करूँ और फिर जो मंदिर चला जाऊँ। सुबह ऐसी कश्मकश में हूँ कि बाहर बैठ के मौसम इंजॉय किया जाए या कमरे में जाया जाए, तो बस अभी मुझे कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा, लेकिन ये कि वॉक स्टार्ट करते हैं, वॉक जो है वो ज़रा ज़रूरी है। ये फ्लावर्स जो आपको शाइन करते हुए नज़र आ रहा है, दिन टाइम ये सारे जो है वो मुरझाए से होते हैं, जैसे वो इनका मुंह जो है वो बंद होता है, और इस टाइम जो है माशाल्लाह सारे खिल गए हैं और बड़े शाइनी से हैं। ये बिल्कुल वहीं पे है जहाँ पर मैं अक्सर जो है बैठा होता हूँ, और उसके पीछे आपको जो छोटा सा हाथा नज़र आ रहा होता है। हमारे पास आ चुका है शाम का खाना, और शाम के खाने में हमारे पास है जी चांप का सालन, लेकिन चांप का सालन वैसे मैं एक रोटी जो है वो खा चुका हूँ, और अभी जो दूसरी रोटी खा रहा हूँ। सालन जो काफ़ी मज़े का है, हल्की हल्की नमक मिर्च है अंदर, और ऑयल वगैरह जो है उससे भी मना किया हुआ, तो इसलिए ऑयल वगैरह भी नहीं है अंदर। सिंपल इज दिस, इस सालन जो है बहुत मज़े का है, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको। जल्दी से वो खाना ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो एडिट करनी है, फिर अपलोड करनी है। और अभी जो हमारे पास आ चुके हैं ज़ैब, ज़ैब का कज़न साथ, ज़ैब के अबू जी और हमारे अबू जी, और साथ में भाई इज़मत और भाई शौकत। और खाने में जो है वो काफ़ी लजीज लजीज चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें हमारे पास सब्जी, मलाई बोटी, टिक्का और काफ़ी कुछ माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं जो है इनको ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले खाना खाया था, और खाना खा के मैं सो गया था, और अभी जो है वो दोबारा से आँख खुल गई थी मेरी, क्योंकि वो मेहमान के आने का जो था वो आपको पता है, एक मेहमान आए तो वैसे थोड़ा बहुत जो वो हलचल होती है, लेकिन जब स्पेशली ज़ैब आए तो फिर रोला पड़ जाता है, तो फिर इसलिए मेरी आँख खुल गई थी। खाने और शापर तेरी मेहरबानी छोड़ दे, शापर चाहिए जी। ओए ओए मेरा ही, ओए मेरा ही खुदा आ जाए, मैं वो खा ला गया इस तरह इसमें डाल दे मान लो किसने तो चीज़ खो के नहीं खानी चाहिए, गुनाह होगा। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, तेन पेचस लग जाने, तेरा पेट खराब हो जाना, हुन खा ला ते हुन के तू ठीक होना जे। और फाइनली जब वो ज़ैब साहब जा रहे हैं, मैं जल्दी ठीक हो जाना इंशाल्लाह। बस किधू की तू पिंड पहुंच, तेरे पिंड पहुंच जा, देखना सही होगा। मैं नहीं जाना मैं इतना ही हूं। और ज़ैब साहब के साथ लाइक तोड़े लाइक विदा विदा में प्यार में को दुआ शवा मांग शरा करो, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, आप सबसे आप में माजरत की, मैं आपके जो वो उधर नहीं आ सका मंगनी थे, फ्यूनरल पे नहीं आ सका मैं आपके। वो क्यों था पता नहीं, उची बोलो ना बीच आवाज जाए, फ्यूनरल पे नहीं आ सका मैं। वो क्यों था मंगनी थे चंगे जो मैं अगर खड़ना थी फ्यूनरल कहते ने जो आखिरी दफन नहीं करते बंदे ना छेड़ी दर्द ही नहीं करता मोहल्ला तो थोड़ी दहा के दौड़ जाते थे। फिर उसके अलावा जो है वो अंकल जी जो है वो जाग चुके हैं बाहर, बजवत आप तो इधर ही है ना, मुझे नहीं लगता मैं जाग हूँ, आप जा रहे हैं साथ क्या जाना पड़े, आप रुको ना ठीक रुक जाते।
ओके साथ साहब जो तुम एक बार भी मैं क्या होना ना वैसे जो तुम एक बार भी मैं क्या होना ना रोक जा सही गल मैं रोक जाना इनके मैं तुम्हें एक जड़ी गल कहगा तू मान लेगा को क्या ही देखो जा निकल खुदा दे बंदे हो इज्जत ना अभी कह सकते ना गेट तो इनको जो है वो अल्लाह हाफिज जाएगा चलो फिर ठीक है चले अब देखते हैं कौन कौन जा रहा है और कौन कौन नहीं।